नमस्कार, फटाफट बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ नेहा रेड्डी। चलिए शुरू करते हैं देश दुनिया की बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में। फीस बढ़ोतरी के खिलाफ जेएनयू छात्रों का संसद मार्च, पुलिस के साथ तीखी झड़प, छात्र संघ अध्यक्ष समेत कई छात्र नेता हिरासत में, प्रदर्शन में हजारों की संख्या में छात्र शामिल। जेएनयू छात्रों के सामने फिर फेल हुआ दिल्ली पुलिस की रणनीति, रास्ता बदलकर संसद की तरफ बढ़े, छात्रों के विरोध प्रदर्शन को देखते हुए कई मेट्रो स्टेशन बंद। विरोध प्रदर्शन के बाद दिल्ली पुलिस ने जेएनयू के बाहर लगाई धारा 144, पैरा मिलिट्री फोर्स की 6 कंपनियों के साथ दिल्ली पुलिस के 1000 से अधिक जवान तैनात, मीडिया कवरेज के लिए भी विशेष पास जारी। संसद के शीतकालीन सत्र का आगाज लोकसभा में गूंजा, कश्मीर में नेताओं की नजरबंदी का विरोध, कांग्रेस ने पेश किया स्थगन प्रस्ताव, फारूक अब्दुल्ला समेत अन्य नेताओं की रिहाई की मांग। राज्यसभा सेकेंड हाउस है, सेकेंडरी हाउस नहीं, सदन की 250वीं बैठक में बोले पीएम मोदी, सदन को बताया ऐतिहासिक, वेल में नहीं आने के अनुशासन के लिए एनसीपी और बीजेडी की तारीफ की। तपस्वी छावनी से निष्कासित महंत परमहंस का सनसनीखेज बयान, का क्या सलाम और राम रहीम जैसे है राम जन्मभूमि न्यास के अध्यक्ष नृत्य गोपाल दास। महाराष्ट्र में जारी सरकार पर सस्पेंस, दिल्ली में शरद पवार ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से की मुलाकात, शिवसेना को समर्थन देने पर हुई बात। महाराष्ट्र में सरकार को लेकर नहीं खोले शरद पवार ने पत्ते, सरकार बनाने के सवाल पर बोले भाजपा शिवसेना ने एक साथ लड़ा चुनाव, उनसे पूछो सवाल। दिल्ली में हवा के बाद अब पानी को लेकर सियासत गर्म, केजरीवाल सरकार के खिलाफ सड़क पर उतरे भाजपा नेता, सोशल मीडिया पर भिड़े केंद्रीय मंत्री हर्षवर्धन और मुख्यमंत्री केजरीवाल। संसद पहुंचा दिल्ली में पानी और प्रदूषण का मुद्दा, बोले खाद्य मंत्री रामविलास पासवान, गंदे पानी से बीमारी का खतरा, आपने लगाया जानबूझकर बदनाम करने का आरोप। अयोध्या विवाद पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को चुनौती देने के मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड पर भड़के अखाड़ा परिषद अध्यक्ष नरेंद्र गिरी, फैसले को चुनौती देने वाले को बताए देशद्रोही, ओबीसी पर भी साधा निशाना। राम मंदिर ट्रस्ट में बड़े पद के लिए निर्मोही अखाड़े ने पेश की दावेदारी, पीएम मोदी से मिलने का मांगा समय, अयोध्या जिला प्रशासन को सौंपा ज्ञापन। रंजन गोगोई के रिटायर होने के बाद जस्टिस बोबड़े बने देश के नए चीफ जस्टिस, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने दिलाई शपथ। मध्य प्रदेश में दिग्विजय के समर्थन से मुख्यमंत्री बने कमलनाथ, जन्मदिन पर प्रदेश कांग्रेस से जारी विज्ञापन में दावा, कांतिलाल भूरिया की अजीब गरीब सफाई का भाजपा ने पैसा देकर छपवाया। मुख्यमंत्री कमलनाथ के जन्मदिन पर पीसीसी में जश्न, सरकार के कामकाज का रिपोर्ट कार्ड पेश, बड़े नेताओं ने काटा केक, पीएम मोदी समेत कई नेताओं ने दी बधाई। मध्य प्रदेश में प्रहलाद लोधी की सदस्यता पर सस्पेंस बरकरार, राज्यपाल के बुलावे पर नहीं पहुंचे विधानसभा स्पीकर, राज्यपाल ने चुनाव आयोग को लिखा पत्र। आर्थिक सुस्ती की खबरों के बीच शेयर बाजार में मामूली गिरावट, 73 अंक गिरकर बंद हुआ सेंसेक्स, निफ्टी में भी मामूली गिरावट। लता मंगेशकर की सेहत में लगातार हो रहा सुधार, 11 नवंबर से मुंबई के एक अस्पताल में चल रहा है इलाज। 27 दिसंबर को रिलीज होने वाले फिल्म गुड न्यूज का ट्रेलर हुआ रिलीज, राज मेहता द्वारा निर्देशित इस मूवी में अक्षय कुमार, करीना कपूर खान, दिलजीत दोसांझ और कियारा आडवाणी लीड रोल में, फिल्म का ट्रेलर मजेदार है और लोगों द्वारा किया जा रहा है काफी पसंद। मरजावा ने बॉक्स ऑफिस पर पहले वीकेंड में 24.42 करोड़ रुपए का किया कलेक्शन, यह फिल्म मल्टीप्लेक्स की तुलना में सिंगल स्क्रीन सिनेमाघरों में कर रही अच्छा प्रदर्शन। वहीं आयुष्मान खुराना की फिल्म बाला का 10 दिनों में कुल कलेक्शन रहा 90.74 करोड़ रुपए। फटाफट बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, देश दुनिया की अन्य बड़ी खबरों को जानने के लिए आप सबसे पहले विजिट कीजिए webdunia.com पर और इसी के साथ दीजिए इजाजत। नमस्कार।